रहे हैं यहाँ का खाना खा रहे हैं, क्या करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमारी गेहूं वाली वीडियो पे। हमने सोचा क्यों ना हम डीम कैंपस भी आपको दिखाएं और एक वीडियो वहां का भी बना दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, डीम कैंपस के भी 3 गेट हैं जहां से हम अंदर जा सकते हैं। तो गाइस, एक गेट ये रहा, तीसरे नंबर वाला गेट, जो कि CSIT ब्लॉक के लिए जाता है। और ये पीछे आपको दिख रही है CS ब्लॉक। तो गाइस, ये रहा मेन गेट जहाँ से हम अभी जाएंगे अंदर। अभी हमने आपको एडमिन ब्लॉक दिखा दिया और हम हिल के हैं तो हमको ज़्यादा पता नहीं है डीम के बारे, तो हमने अपने एक मित्र की सहायता ली और आप जानते होंगे उनको। हमने सहायता लिया हर्ष भाई की। हर्ष भाई, आप बताओगे हमको डीम पूरा? हाँ हाँ, बिल्कुल बताएंगे। हमारी पुरानी वीडियो पर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अंदर कितने हॉस्टल वगैरह है और बाहर कितने हॉस्टल है, तो हमने डीम का हॉस्टल दिखा देते हैं आपको कि यहाँ कौन कौन से हॉस्टल है। गाइस, इधर को आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद हॉस्टल, सरदार पटेल हॉस्टल, लक्ष्मीबाई हॉस्टल और पीछे की तरफ CSIT ब्लॉक है। तो इनमें से सिर्फ लक्ष्मीबाई हॉस्टल ही लड़कियों के लिए है, बाकी दो लड़कों के लिए। तो ये सामने रहा एक हॉस्टल और ये वाला हॉस्टल है लड़कियों का, बाकी उधर की तरफ है CSIT ब्लॉक। लड़कियों के दो और हॉस्टल्स हैं अंदर, इधर की साइड है, तो सरोजनी नायडू और प्रियदर्शनी हॉस्टल। तो गाइज, ये है आर्यभट्ट कंप्यूटर सेंटर और ये अभी नया नया बना है फाउंटेन बैठने के लिए। बाकी सामने आप देख सकते हैं, ये आपने बहुत बार मेरी वीडियोस में देखा होगा, यहाँ अंदर है हमारा प्रिय NCC ऑफिस। गाइज, ये है संतोष आनंद लाइब्रेरी। तो गाइज, आप देख सकते हैं हमारा NCC ऑफिस। और ये हमारे सीनियर्स और सुपर सीनियर्स। तो ये हम लोग ने लाइब्रेरी अभी खत्म किए। हाँ भाई, आगे कहाँ दिखाना है? तो गाइज, ये रहा हमारा ऑडिटोरियम, वो भी एडमिन ब्लॉक का। आधे से ज़्यादा इवेंट्स जो होते हैं यहीं होते हैं। तो अब हम जिस ब्लॉक में हैं वो ECE और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ब्लॉक है। उधर को इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस लगती हैं और नीचे इनकी लैब्स हैं। ओके, ऊपर क्लासेस लगती हैं, थ्योरी क्लासेस वगैरह वगैरह। अब हम ऊपर का व्यू दिखाएंगे ऑडिटोरियम का। तो गाइज, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये घर है हमारे घनसू जी का, प्यारे घनसू जी। और ये ऐसा बोला जा रहा है कि एशिया की नंबर वन सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनने जा रही है, आगे जाके इसका व्यू दिखाएंगे। तो गाइज, आज कैजुअल डे है इस वजह से हम कैजुअल में आए, क्योंकि आज सैटरडे है। बाकी टीम्ड में आप कैसे भी आ सकते हैं, ज़्यादा कोई मतलब स्ट्रिक्टनेस नहीं है इधर। बाकी हिल में बहुत स्ट्रिक्टनेस है, अगर आपने हमारी हिल वाली वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और हमारी हिल वाली वीडियो देखिए। तो हर्ष, ये है ना सिविल ब्लॉक? छोटा सा लग रहा है, तो बच्चे भी तो छोटे हैं भाई, कम है। तुम्हारे मास्टर ने चिनाई की इसकी? नहीं, ये फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। आपको ले जाते हैं बास्केटबॉल कोर्ट, जो CC ऑफिस के पीछे ही है। मारो श्रीकांत जी। तो गाइस, यही वो लड़की है जिसने पानी। ओ नाइस श्रीकांत, नाइस नाइस शॉट। तो बोर्ड को भी टच नहीं किया, कोई नहीं, अब हम चलते हैं। अब गाइस, इनसे बोर्ड टच हो नहीं रहा है और ये बास्केटबॉल खेलेंगे। तो MBA ब्लॉक से बाहर आते ही एक क्विक बाइट कैफे है, यहाँ पे खाने का सब कुछ मिलता है। नीचे जाके बेसमेंट में क्विक बाइट कैफे और ऊपर क्लासेस रखती हैं। अच्छा,
और ये कौन सा ब्लॉक है अर्श? ये चाणक्य ब्लॉक है, यहाँ पे MBA की क्लासेस चलती हैं, फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। रैगिंग वैगिंग करना अलाउड नहीं, ठीक है? तो गाइस ये रहे हर्ष भाई के दोस्त। हेलो ब्रो, कैसे भाई? हेलो भाई। तो भाई यहाँ का खाना कैसा है क्विक बाइट का? मैयत निकल जाती है यार का खाना क्या इसको देख रहे हो? हाथ देखो लड़के के, अरे उसके हाथ देखो, ये खाना खाने ऐसा भाई है, ये खाना क्या देखो, ये देखो, ये भी ऐसे यही में खाते भाई। गाइस यहाँ का खाना खा के भाई लोग ऐसे हो रखे, तो प्लीज अपने घर से खाना लाइए। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं अर्श? अभी हम जा रहे हैं मैकेनिकल ब्लॉक। मैकेनिकल ब्लॉक, ये है मैकेनिकल ब्लॉक, पता नहीं फंडेड बाय स्पॉन्सर्ड बाय टाटा जो भी है, विश्वकर्मा ब्लॉक। और ये गर्ल्स का एक और हॉस्टल है, प्रियदर्शनी हॉस्टल। ये पता नहीं इतना अंदर की देर गए। और बैठने के लिए काफ़ी गार्डन्स हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में, हिल यूनिवर्सिटी में इतने गार्डन्स नहीं है। और यहाँ पे हरियाली भी बहुत है। तो यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट ब्लॉक और मैकेनिकल डिपार्टमेंट हमने दिखाई दिया आपको, और ले चलते हैं हम गेट नंबर 2 की तरफ। चलो। तो गाइस यहाँ पे एक और टक शॉप है खाने के लिए, आप देख सकते हैं सामने छोटी सी वहाँ पे। स्कॉर्पियो किसकी है यार ये? ओ DRDO। तो गाइस रक्षा मंत्रालय से कोई आया है DRDO से कोई एक पैक साइन करने के लिए, और यहाँ पे MOU साइनिंग सेरेमनी फॉर कोलैबोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइनिंग कर रहे हैं लोग, काफी करा डीम्ड विद DRDO। और हियर वी हैव गॉट KP Nautiyal। ऑडिटोरियम है ना अर्श? ऑडिटोरियम है ना KP Nautiyal। और ये छोटा ट्रक शॉप जो दीप ने बताया था, बाकी बैठने की बहुत जगह है यहाँ पे भी। एक और ट्रक शॉप है सामने, और ट्रक शॉप है गाइस, वहाँ पे आइसक्रीम मिलती है। और ये पार्किंग कार बाइक। और गाइस सामने जो है दूसरे नंबर का गेट सामने वो रहा हमारा गेट। तो यार हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द कैंपस कवर कर लिया है, और अब हम लोग चलते हैं कैफेटेरिया की तरफ। यहाँ पे डीम्ड की सबसे बड़ी कैफेटेरिया है, उसके बाद कैंटीन दिखाएंगे, और फिर उसके बाद CSIT ब्लॉक, एंड देन फिर ब्लॉक को एंड करेंगे। इधर है जिम और कैंटीन ब्लॉक, बाकी आई लव यू। और ये गांधी जी और उनके 3 मंदिर। तो ये है रवि जी की कैंटीन, और ये कैफेटेरिया, इसके अंदर चलते हैं। और क्या है? अच्छा ये कॉलेज की यूनिफॉर्म लेने की जगह, विद्यार्थी और कभी भी इस विद्यार्थी जगह से अपने कपड़े मत लीजिएगा, यहाँ 11,000 से 12,000 के कपड़े मिलेंगे, जबकि बाहर आप 5,000 से 4,000 के बीच आराम से कपड़े सारे बनेंगे। हमें कॉन्टैक्ट करना, हम आपको 5,000 में पूरे कपड़े दिला देंगे, नो कमीशन। देखो इन लोग ने बीटेक CS की प्लेसमेंट्स, अमेरिकन एक्सप्रेस, छोटी मोटी प्लेसमेंट ले रखी है। और ये अपना कॉलेज बेटर देन डीम। यहाँ पे आप इंडोर स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, कैरम, बाकी पूल भी है, स्नूकर भी खेलते हैं यहाँ पे बच्चे। आओ एक गेम देखते हैं छोटा सा। तो दीपचंद यहाँ टेस्ट ट्राई करेंगे, बताते इनको नहीं है बट देख सकते हैं। हराना मत यार इसको प्लीज, वीडियो बन रही है। और यहाँ पर कॉलेज वालों ने ऊपर जिम प्रोवाइड करा रखा है, मंथली 700 चार्ज करते हैं, वो थोड़ा दिखा देते हैं। अभी बंद कर रखे हैं। ये बिना पूछे गए आंटी पर, आंटी इसके साथ क्या होगा, कैमरे में आएगा तो ये इसको कॉलेज से बाहर निकाल सकते हैं अगर कैमरे में आया तो।
ब्रिज क्रॉस करके सारे हॉस्टल्स हैं इस तरफ और ये इन लोग के लिए ग्राउंड खुला है, वो सीएसआईटी ब्लॉक और वो हमारी लाइब्रेरी, ये रॉयल्स रॉयस आ रही है। पाँ 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 पाँ। ये बस पहली बार के लिए होता है जब पेरेंट्स घूमने आते हैं ना कॉलेज, बस तभी घुमाते हैं, उसके बाद तो दे पैसे लेते हैं। ये चंद्रशेखर आज़ाद हॉस्टल और ये वाला कौन सर, ये है सरदार पटेल हॉस्टल। तो हम लोग को यहाँ पे हमारे कुछ फॉरेन फ्रेंड्स मिले हैं जो कि अफ्रीका से आए हैं, सो उनसे उनका रिव्यू पूछते हैं ग्राफिक के बारे में। तो दीप सर पूछते हैं, तो वी आर मेकिंग अ वीडियो ब्लॉग ऑफ टीम कैंपस, सो वी वांट टू आस्क यू अबाउट द रिव्यू ऑफ टीम कैंपस। You walk 5 steps, you see a security guard. Another 5 steps, you see a security guard. They're always blowing their whistles. So it's kind of a nuisance to us. We are not used to that kind of thing. But besides everything, the academic study is a very conducive environment for studying. With the greens and the nature, it's very beautiful. And I love the place. Yeah, the people are friendly, the Indians. I was always nervous coming from Zimbabwe. Okay. Coming from Zimbabwe to India, I was always nervous meeting new people and new friends, but I found it easy. Even my classmates, the way they talk to me, it's okay. Are the students helpful to you here? Yeah, they help. Yeah, when I ask questions, they help me. Everything is like that. So, what's your name? Sean Michael. Sean Michael. Zimbabwe se de bhai hamare. Bhai Zimbabwe se de. Bahut acche de. भाई को लगता है कि यहाँ हर 5-5 मीटर पे जो है गार्ड खड़े रहते हैं ऐसा कंट्रोल करने के लिए, कि उनको अजीब सा लगता है। बाकी बच्चे तो अच्छे हैं, कह रहे हैं कि हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। खाना पीना भी ठीक है, एकेडमिक्स का भी ठीक है, स्टडीज़ का, लेकिन स्पोर्ट्स यहाँ कम है। मतलब इवेंट्स होते हैं लेकिन ये सिखाते वगैरह नहीं है ज़्यादा, उसके ऊपर ज़्यादा वो देखते नहीं है। बाकी ओवरऑल अच्छा है, कह रहे थे। पीएसएसआईटी ब्लॉक और यहाँ पर जनरली जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ते हैं, और बीटेक के स्टूडेंट्स जो सीएस ले रखी है इन्होंने वो लोग पढ़ते हैं। मतलब इतने बच्चे हैं यहाँ पे सीएस के, एक बैच में 3,000 बच्चे, कि अलग से ब्लॉग बनाना पड़ जा रहा है उनके लिए बड़ा सा। सैटरडे का दिन है फिर भी इतनी भरी पड़ी है पार्किंग। यहाँ पर लोग डांस वांस की प्रैक्टिस करते रहते हैं। अभी फेयरवेल चल रही है ना, तो देखो बलून्स शाम की तैयारी के लिए। विधायक डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स बीकॉम की फेयरवेल चल रही है यहाँ पे, शाम को शुरू होगी। और ये शायद ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है। सो गाइस, ये डीम का लेक्चरेट हॉल। ये रही एक और टकशॉप, और यहाँ पे एक नई बिल्डिंग बन रही है, इतने बच्चे बढ़ जा रहे हैं। ये है सीएसआईटी का मेन गेट अंदर से, और यहाँ पे एक और आई लव गिव। और इस ब्लॉक में नर्सिंग के बच्चे पढ़ते हैं। तो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं तो हम जल्दी एक डिफरेंस वीडियो बनाएंगे हिल और डीम्ड की। थैंक यू।